अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारा इस यूनिट नंबर 1 नेम भी है, टाइटल भी है फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम पहले डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम परमाइश कर सकते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और अगर हम डेली लाइफ में देखें तो बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और हम यूज भी करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ हो, आप उसको लेंथ को मेजर करते हैं विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो लेंथ इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, वी कैन से दैट लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह आपके पास मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो तो वो भी आप मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये भी मेजरेबल, या हम इसको कह सकते हैं ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आपने डेली लाइफ में इनके नेम भी सुने होंगे, और ये हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं क्योंकि हम इनको मेजर भी कर सकते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप क्या सोच रहे हैं या जो इमोशंस हैं, तो ये हम मेजर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बाहर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम हवा को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल हवा को भी मेजर किया जा सकता है। आप हमने ऐप में भी देखते हैं, मोबाइल फोन ऐप में भी, उसमें स्पीड भी लिखी हुई होती है कि जो है एयर कितनी जो है स्पीड से चल रही है। तो ये जो है आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप जो है हवा को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जलजला आता है तो उसकी भी मेजरमेंट की जा सकती है। तो डिस्टेंस है जिस तरह सन और जो है अर्थ के बीच में, आजकल रडार की मदद से जो है आप कोई भी डिस्टेंस बड़ा आसानी से मेजर कर सकते हैं, जिससे 16वीं सेंचुरी में जो है मुख्तलिफ मेथड से भी फाइंड किया गया था, लेकिन आजकल जो है रडार की मदद से जो है वो इजीली आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज मौजूद हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर ना कर सकते हों उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर इस फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी को कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अभी पहले जो है हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं विच आर प्रपोज्ड बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जो एक साइंसदानों के ग्रुप ने प्रपोज्ड की थी। ठीक है, साइंसदानों का एक ग्रुप बैठ गया फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस के शहर पेरिस में, ठीक है, वहाँ पर ये बैठ गया एक साइंटिस्ट का ग्रुप, और उन्होंने प्रपोज्ड किया कि ये जो क्वांटिटीज हैं उनके, मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनमें साइंटिस्ट ने कहा कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनके अलावा इन बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करके जो हम हासिल करेंगे उन्हें हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो बेस क्वांटिटीज those quantities which are proposed by a group of scientists, या ये भी कह सकते हैं कि ये वो quantities हैं जिनकी मदद से हम दूसरी quantities को हासिल कर सकते हैं, तो ऐसी quantities को हम base physical quantities कहते हैं। They are 7 in numbers, ये तादाद में 7 हैं, ठीक है, ये क्या हैं, तादाद में 7 हैं, और इनके जो नेम हैं वो क्या हैं, length, mass, time, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट
उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये आपके पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो साइंटिस्ट के ग्रुप ने प्रपोज्ड की। ठीक है, तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास मीटर्स में होती हैं, मास की यूनिट्स जो हैं वो किलोग्राम होती हैं, इसी तरह आपके पास टाइम की यूनिट्स जो हैं वो सेकंड्स होती हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है वो भी हमने पढ़ना है आपके इंशाल्लाह। टेम्परेचर जो है वो केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम था और केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए हमने इनका एक एम्पियर का एक आपने स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है और केल्विन का एक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास कैंडेला और इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होती है। तो इनकी यूनिट्स को हम डिस्कस भी करेंगे कि यूनिट्स होती क्या हैं, और अभी आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी एस आई सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट्स हैं वो मैंने आपको बताई, कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो साइंटिस्ट के ग्रुप ने प्रपोज की थी और ये 7 तादाद में 7 है और इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मीन ये फंडामेंटल हैं, मीन आप ये समझ सकते हैं ये बुनियाद हैं, इनसे हम दूसरी क्वांटिटीज को बना सकते हैं, डिवाइड कर डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं, जिन्हें हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये दूसरी है, फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, 1 बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड नंबर 2 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, आर दोस क्वांटिटीज, आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड, जो हासिल की जा सकती हैं, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, जो मल्टीप्लाइंग करने से, मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग या डिवाइड करने से, बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग टू बेस, 1 बेस फिजिकल क्वांटिटी, टू आप लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जो व्हिच कैन बी ऑब्टेन, जो हम हासिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हम हासिल कर सकते हैं। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो सेम भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर एरिया है, एरिया आपके पास किसी भी चीज का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो या एरिया ऑफ आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, तो आप उसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है सपोज लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। ठीक है, तो विड्थ जो है ये भी तो एक डिस्टेंस है, लेंथ ही है, तो अब इसको आप ये कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मीन लेंथ जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच अकर्स ट्वाइस, जो दो दफा इस्तेमाल हुई है, तो ये इन दोनों से हमें जो मिल गया वो हमें मिला एरिया, तो आप कह सकते हैं कि एरिया इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब लेंथ की यूनिट्स क्या थी, हमने यहां लिखी थी मीटर, और इसकी भी यूनिट्स थी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, तो इस तरह एरिया की जो यूनिट्स आ जाती हैं वो मीटर स्क्वायर आ जाती हैं, तो एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज़ इट इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाई टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज लेंथ। ठीक है, तो लेंथ से ये मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ। इसी तरह आपको मैं एक और एग्जांपल दूं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की, जिस तरह आपके पास स्पीड है, स्पीड जो है आपके पास स्पीड भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं
जो है आपके पास स्पीड, स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टू बेस फिजिकल क्वांटिटी, वन इज डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस जो है डिस्टेंस आप लेंथ कह सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो लेंथ आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करने से आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, और स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ और टाइम दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आपने डिवाइड किया और आपको मिल गया स्पीड, तो स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कांसेप्ट क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी का, डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा हमें हासिल होती हैं, ऑब्टेन होती हैं बाय डिवाइडिंग बेस फिजिकल क्वांटिटी और मल्टीप्लाइंग बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं। इस तरह स्पीड की यूनिट्स भी बड़ी इजीली हैं। अब आपको देखें सेवन बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी आपको यूनिट्स याद हों। अब देखें लेंथ की आपको मैंने यूनिट्स बताई थी कि लेंथ को हम मेजर करते हैं इन मीटर्स, तो मीटर्स जो है लेंथ की यूनिट्स हो जाएंगी, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। अब वैसे तो टाइम की यूनिट्स अगर आप देखें आवर्स भी होती हैं, मिनट्स भी होती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम रखते हैं वो सेकंड्स रखते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ जो होती हैं वो मीटर्स होती हैं। वैसे तो हम डिस्टेंस एक शहर से दूसरे शहर का किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स हम मीटर रखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे भी सही। तो मीटर पर सेकंड ये आपके पास स्पीड की यूनिट्स आ जाती है, स्पीड इस चीज़ में मेजर की जाती है, तो स्पीड इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।